बैग लो अपना और इस घर से निकल जाओ इसी वक्त। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा इस घर से निकल जाओ ये बैग लेके। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ हैं। अब ना तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह और ना मेरे दिल में। आ गए मंसूर, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नसरीन, तुमने उमेर को घर से निकाला है? जी। क्यों? तुम्हें क्या हो गया नसरीन? जानती हो कि एक जवान बेटे को घर से निकालने का मतलब क्या होता है? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे नसरीन? डेरी हो गई हो क्या? फातिमा उमेर का झगड़ा क्या हुआ? तुमने उमेर को घर से निकाल दिया? तुम में अकल है या नहीं? बात ये नहीं है मंसूर। अच्छा तो क्या कर दिया मेरे बेटे ने? अरे किसी को जान से मार दिया या अगवा कर लिया? हाँ, बहुत बड़ा जुर्म किया है उसने। उमेर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फातिमा को अगवा करवाया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरा बेटा ऐसी हरकत करेगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? किसे सुना है तुमने ये सब? मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। गलतफहमी हुई है तुम्हें। मैंने खुद उमेर के मुंह से सुना है। अगर मुझसे भी कोई कहता तो शायद मैं यकीन ना करती। आप सोच भी नहीं सकते मेरे ऊपर क्या बीत रही है। क्या मुझे दुख नहीं अपने बेटे को घर से निकालने का? और आप जानते हैं, वो मेरे को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। उसे जरा अफसोस नहीं है इस बात का कि वो समझते हैं कुछ किया ही नहीं उसने। मैं जिस कर्म से गुजर रही हूं मंसूर, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने आप से कि मेरे बेटे ने क्या हरकत की है, और वो भी अपनी चचा साहब बहन के साथ। किससे ये दुख बयान करूं अपना? अगर अगर शफीक को पता चला कि उमेर ने फातिमा को अगवा किया है। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। ये राज तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगा कि फातिमा को हमारे बेटे ने अगवा किया है। समझ गई? किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुमने सजा देनी थी, दे दी, घर से निकाल दिया उसे। बस अब और कुछ नहीं, बस। गलती इंसान से ही होती है। Thank you.
क्या हो गया भाई, सोया क्यों नहीं अभी तक? यार मच्छर मार मार के मेरा दिमाग खराब हो गया यार, ये कहां से आए इतने मच्छर इस घर में? अबे यार ग्लोब जलाना भूल गया, मैं शाम को जला देता हूँ, मैं अभी जलाता हूँ। ग्लोब? यार देख अभी मैं जलाऊंगा ना तो 2-3 मिनट में सारे मच्छर चले जाएंगे, 4-5 घंटे तेरे आराम से गुजर जाएंगे, उसके बाद फिर तंग करना शुरू कर देंगे। मैं आता हूँ। खुदा के वास्ते लगा दे ये टेक्नोलॉजी, इन मच्छरों से मेरी जान छुड़वा दे भाई। की है ग्लोब, आता हूँ। इसका कहां से? हेलो। हाँ बोलो निका। कहां हूं मैं? तुम जहां पे भी हूं बस खुश हूं। जो भी है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ताईजान, जरा सी बात पे तुम्हें घर से निकाल दिया, जबकि गलती सरासर फातिमा की थी। क्या जरूरत थी उसे बगैर पूछे तुम्हारा चार्जर उठाने की? मुझे तो ऐसा लगता है कि जान बूझ के उसने ये सब कुछ किया है ताकि सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट हो। वो तो चाहती ही यही थी। अनिका जो तुमने कहना था वो कह दिया या और भी कुछ कहना है? प्लीज मुझे मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, कोई और बात करो। अच्छा छोड़ो, अपना मूड खराब मत करो, ये बताओ कि क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, मच्छर मार रहा हूँ। क्या मच्छर मार रहे हो? तो जनाब ने कितने मच्छर मारे? तुम्हें वैसे पता है ये ग्लोब क्या चीज होती है? क्या है ये ग्लोब? अबे ग्लोब ले आ यार। यार तुम्हें पता नहीं है यार, हंस लो बेटा हंस लो।